एक फ्लाईओवर बीते 7 सालों में भी बन के तैयार नहीं हो पाया है। ये पुल विकास के दावे करने वाले सिस्टम पर एक तमाचे जैसा है। कांग्रेस ने इस पुल को लेकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। काशीपुर में फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना और प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा शहर की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। काशीपुर के फ्लाईओवर को बनते हुए 7 साल बीत गए, परंतु अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के द्वारा निर्माण पूरा करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया था, परंतु अभी तक कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया। कांग्रेस ने कहा, अगर जल्दी निर्माण पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। महानगर कांग्रेस कमेटी जो है वो शहर की 4-5 मुख्य समस्याओं को लेकर यहाँ धरना दे रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे ये दो फ्लाईओवर हैं, इस फ्लाईओवर को हमारे यहाँ के विधायक ने 15 दिसंबर का समय दिया था कि 15 दिसंबर को ये फ्लाईओवर पूरा हो जाएगा। तो हमारे जसपुर के विधायक जी ने कहा था कि 15 को पूरा नहीं हुआ तो 16 तारीख को हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो महानगर कांग्रेस कमेटी मेन चौराहे पर फ्लाईओवर को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। उधर हमारे विधायक आदेश चौहान जी विधायक के घर पहुंच चुके हैं और वहां पर उनसे ये क्वेश्चन कर रही है कि क्या बात है, 15 दिसंबर निकल गई है और अभी तक ये पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ। चूँकि ये पुल के निर्माण से हमारे यहाँ के व्यापारी लोग, हमारी जनता, यातायात व्यवस्था पूरी चरमरा कर रह गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत ही इस फ्लाईओवर का निर्माण को पूरा करें। अगर आने वाले कुछ दिनों में ये निर्माण पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी हद से भी गुजर सकती है। शिवपुर एफटी चौक पे कांग्रेस पार्टी मैंने भी बैठी हुई है, उसका कारण बिल्कुल सर्वविदित है, क्योंकि जिस चौक पर हम बैठे हुए उसके ऊपर जो फ्लाईओवर है उसके नीचे हम बैठे हुए हैं। तो किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि सो रहे हैं पूरा शहर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि काशीपुर के जो जनप्रतिनिधि है पूरे 21 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर है, फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो इनकी जो मंशा है, इनकी जो इच्छा शक्ति है वो ही काम करनी है। मैं इस धरने के माध्यम से अपने व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहूँगी कि उनको थोड़ा हम लोगों का साथ दें, स्वयं भी आए, आवाज़ उठाएं। देखिए यहाँ पे सिटी क्रेजी होटल भुक्का यहाँ से अंदर चला गया, क्योंकि यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो ये 7 वर्ष से ये फ्लाईओवर बन रहा है, बीच में हमने देखा कि कारों के ऊपर इसकी टाइल्स गिरने लग गई है और जब विधायक जी के पास बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े व्हीकल गुजरने ही नहीं चाहिए, अगर बड़े व्हीकल नहीं गुजरेंगे तो ये किस लिए बना है। तो ये इनकी जो मंशा है वो काम करने की नहीं है, इनकी जो इच्छा शक्ति है वो काम करने की नहीं है, बहुत ही नकारात्मक इनकी सोच है। डबल ट्रिपल इंजन होने के बाद ही आज जो सारी व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो चुकी है, इनको जागना होगा। ऐसी सारी जनता की इच्छा है, अच्छे दिन गायब हो चुके हैं, इसका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। तो उसी को लेकर हमने भी उनको कहा था कि अगर मान लिया 16 दिसंबर को ये पूरा हो जाता है तो हम उनके यहाँ फूलों की माला लेकर जाएंगे और उनका धन्यवाद करेंगे, नहीं तो फिर कोई ना उनके यहाँ धरना देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो आज मजदूर हम उनके घर पर गए और उनने धरना दिया, उनसे वार्ता भी, तो वो भी ऐसा है महसूस हुआ। मैंने उनसे कहा कि दोनों जगह सरकारें आपकी हैं, तो एक ठेकेदार आपके कब्जे में नहीं आ रहा तो आप समझिए खनन माफिया, भू माफिया ये किसके कब्जे में आएंगे, जब एक ठेकेदार दोनों सरकार होने के बाद भी इनके कब्जे में नहीं आया। 2 साल का समय था, 7 साल इसे हो गए, तो मजबूरन हमने SP कार्यालय आकर एक उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई, वो जो रिसीविंग हमें करके दे दी गई है कि इसकी जांच कर, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता को अगर उस पैसे के बदले में सुविधा आप नहीं दे रहे तो जो भी दोषी है उसमें, ठेकेदार दोषी या अधिकारी दोषी, उनके खिलाफ FIR हो, तो वो हमने तहरीर दिए हैं SP कार्यालय। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।